हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। हमारे घर पे छोटा गंपू आ रखा है, ये देखो छोटा गंपू, छोटा अनिल, छोटा गंपू। ये देखो भाई, दूर से हेलो कर रहा हूँ बंदा। हेलो। क्योंकि आज का सिनेरियो ऐसा है कि मैं मेरी मम्मी की दवा लेने रामनगर जा रहा हूँ। फिलहाल इतने यहाँ पे हैं और दो जनों पर राइडिंग कर रहे हैं। मस्त धूप निकल रही है आगे सामने से। चलिए ठीक है, आपको जा रहा हूँ। चलिए भाई, ठीक है, ओके 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 ब्रू, ओके। अब मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी दवाई लेके आते हैं, उसके बाद वापस आएंगे स्टूडियो में। तो गाइस, मैं तो घर पहुंच चुका था, फिर मैं थोड़ी देर बैठा था, वीडियो देख रहा था। पीछे मेरी मम्मी पता नहीं क्या बना रही है। मम्मी क्या चिप्स बना रही है? चिप्स, हाँ मम्मी ने बताया भी चिप्स बना रही है। ये अभी चिप्स बनने की तैयारी चल रही है। मम्मी ने पानी रखा, उसके बाद क्या डाला मैं तुमने? नमक, सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी। बस सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाली है। जब भी बन जाएंगे आना, मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी सूखेंगे भी ना मम्मी, अभी बन के सूखेंगे, जिस दिन खाएंगे उस दिन दिखाऊंगा। अचानक से सीन कट हुआ और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे आगे क्यों बैठ गए। इसका सबसे बड़ा रीजन है मिस्टर इंडियन हैकर। जहां हम लोग रहते हैं ना, वहां पर ऑलमोस्ट जितने भी उनके फैन थे या फिर उनके सब्सक्राइबर थे, वो ऑलमोस्ट उनसे सब मिल लिए, बकायदा हम लोग को छोड़ गए। आप यकीन नहीं करोगे कि एक यूट्यूबर हो गए, हम लोग उनसे नहीं मिल पाए। मतलब कि कितने नजदीक थे हमारे, पता है वो कितने नजदीक थे हमारे, वो कम से कम शायद 100 मीटर ना, 100 मीटर के आसपास हमसे वो दूर होंगे। और एक वक्त ऐसा आया था जब उनसे हमसे सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 15 या 20 मीटर दूर होंगे। ऐसा था, हम नीचे थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे थे, वो फर्स्ट फ्लोर पे बस हद से हद, है ना। एक समय ये भी आया था, बट किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के चलते वो हमसे नहीं मिल पाए। देखो अब स्टडी से बात सुनना, होता क्या है। मिस्टर इंडियन हैकर, जिनके हम भी बहुत दिल से फैन है, आज दिलाज भाई, तो वो उत्तराखंड आते हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो उत्तराखंड आ रहे हैं। अब हमें ये कन्फर्म हो चुका था कि वो उत्तराखंड आए हैं, तो ऑफकोर्स सौरभ जोशी मिलने ही आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड आने का उनका कोई मतलब नहीं था, उनकी यहाँ कोई वीडियो नहीं बनती है, ठीक है। तो हाँ, जो हमारा शक था वो कन्फर्म हो गया कि हाँ, वो मिस्टर इंडियन हैकर जो हमारे दिलराज भाई हैं, वो सौरभ जोशी से ही मिलने आए थे, ठीक है। वीडियो देखा सौरभ जोशी, वीडियो देखी, पोस्ट देखी, शेयर, बहुत कुछ देखा, ठीक है। बट उन दो, अब हम सब जो हैं S3 टीम, ऐसे उनके पास नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन दो यूट्यूबर का लेवल बहुत ज़्यादा अलग है हमसे, बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। आप लोग बताइए कि वो लोग मिलियंस में सब्सक्राइबर उनके, तो हम उनके बीच में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। वो पर्सनली घर गए थे उनके मिलने के लिए, तो वो वहाँ से जब वापस आते हैं, ठीक है, अब वो जब वापस घर को आते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं। तो हम सबका प्लान बनता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉर्पोरेट की तरफ गए थे घूमने के लिए, ठीक है। तो हम सब निकल गए कॉर्पोरेट की तरफ, बहुत ढूंढा, नहीं मिले। इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर है वो, वहाँ पर है। सबसे पूछा, काफी लोगों से पूछा कि राजस्थान से कोई फॉर्च्यूनर यहाँ आई है, राजस्थान से कोई फॉर्च्यूनर यहाँ आई है, नहीं। काफी लोगों ने बताया कि वहाँ गए हैं, बहुत लोगों से पूछा। गलती हमसे ये हुई, एक प्रूफ के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमने सोचा था कि मिल गई, जब हम मिलेंगे तब वीडियो बनाएंगे दिलराज भाई के साथ, ये सोचा हम लोगों ने। और हमने, आप यकीन नहीं मानोगे, जितना भी कॉर्बेट के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं, जितने होटल्स होते हैं, सबको चेकआउट करा, लगा कोई बचा हुआ यहाँ पर, कोई मतलब राजस्थान से कोई फॉर्च्यूनर आई है या जो भी कुछ होता है, मिस्टर इंडियन हैकर या फिर दिलराज नाम से कोई यहाँ पर नाम ऐड है या फिर कोई नंबर है। बट एक जगह हमें मिला कि यहाँ पर आए हैं वो, बट फिर भी वहाँ हमें मिलना नहीं हुआ, पता नहीं कैसे वहाँ से चले गए। उसके बाद हम निराश होकर वापस आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि उनकी कार अभी अभी रामनगर से पास हुई है। हमारे कुछ फ्रेंड लोग रामनगर में रहते हैं, तो इतनी तो भी टचेस हैं हमारे कि हम लोग इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लें कि हाँ, हमें पता चला कि वो कौन बंदा कहाँ पर है, रामनगर से पास होते हैं वो। तो हमने हमारे अब हम कन्फर्म हो चुके थे कि वो रामनगर में ही किसी अच्छे होटल में रुकने वाले हैं। तो हम लोग ढिकुली पूरा छान मार के आ गए, बट अगेन नो रिस्पॉन्स नहीं मिले। अब हम सोचे कि इतना बड़ा यूट्यूबर इतने बड़े बड़े होटल्स में नहीं रुका, तो रुका किधर है? छोटे होटल निशाने ऐसा नहीं, छोटे होटल नहीं छाने। तो हम सब एक उम्मीद खो चुके थे कि हमें लगा कि वो जा चुके हैं। हम सब घर आए थे, तो घर आने के बाद रात का समय था, यही समय हो रहा शायद, यही टाइम हो रहा होगा। तो चित्रा की बहन प्रिया ना, हाँ चित्रा की बहन प्रिया, उसका फोन आता है। वो कहती है, भैया दिलराज जो आप मिस्टर ने हैकर हैं, वो यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, और आप उनसे आगे मिल लो, अगर मिलना है तो आपको, मतलब समझ लो, हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो यहाँ पर रुके हैं।
कहाँ? दीवान दीवान रेजिडेंसी में। ये एक होटल है ठीक है, छोटा होटल, ज्यादा बड़ा होटल नहीं है, हाईवे के नियर में ही है, जो बिहार के लोकधारा में ही है, बल्कि हमारे स्टूडियो से ज्यादा दूर भी नहीं है, 200 मीटर ही ज्यादा होगी। जहाँ है रहता ना, जो स्टूडियो है वहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं था। तो वहाँ अब देखो, अब हम वहाँ चले जाते हैं, कुछ क्लिप्स हैं वो आप पहले देख लो, उसके बाद आप मुझे कमेंट करना कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। इस बार हमने प्रूफ के लिए वीडियो बनाई थी, तो पहले वीडियो देख लो। तो गाइस यहाँ पर अभी हम आ रखे हैं ना, यहाँ पर मिस्टर इंडियन हैकर आ रखे हैं, वो पीछे फॉर्चूनर खड़ी है, उन्हीं की है ये। तो लेट्स सी, अगर उनसे मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए मिलने की, अगर मिल पाए तो भाई मजा आ जाएगा। पीछे खड़ी फॉर्चूनर देखो उनकी, फिर सामने जो है ना देखो RJ01, ये उन्हीं का नंबर है डेफिनेटली, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि भाई उनके ह्यूज फैन है हम लोग। तो लेट्स सी मिल पाते नहीं मिल पाते। सो गाइस अभी जो सीन ऐसा है कि दिलराज भाई तो आ नहीं रहे, लेट्स सी उनके जो मेंबर स्टाफ मेंबर आएंगे, जो भी आएंगे भाई लोग, उनसे मिलते हैं और एक रिक्वेस्ट करें छोटी सी कि उनसे मिलवा दे, मिल गया तो ठीक अच्छी बात है, फिर लेट्स सी क्या होता आगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, तो आप देख सकते हो कि मैंने कार नहीं दिखाई है, फॉर्चूनर को साफ साफ दिखाया कि RJ नंबर उन्हीं की कार थी फॉर्चूनर, ठीक है। फॉर्चूनर तो हमने देख ली ठीक है, वो अच्छी बात है। अब हमारे अंदर ये कंफर्मेशन आ गई कि दिलराज भैया जो है दिल के बहुत बड़े हैं, तो उनसे मिलने कंफर्म आ जाएंगे ठीक है। वो ऑफकोर्स आ भी जाते, 100% वो आ जाते, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी अपने फैन का दिल नहीं तोड़ा ठीक है। हम भी उनके बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फैन हैं, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वरना हम वीडियो क्यों बनाते। अंदर जाते हैं बड़ी रिक्वेस्ट करके कि हमें अंदर आने दो, हम बहुत रिक्वेस्ट करके फ्रंट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से बोलते हैं, जो हमारा मैनेजर है उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, मिस्टर इंडिया का यहाँ पर रुके हैं हमें पता है, वो समझे नहीं, तो हमने उनसे बोला दिलराज नाम से यहाँ पे आ रखे हैं, प्लीज़ हमें उनसे मिलवा दो। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मना कर रखा है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए और ऐसे जो है प्राइवेसी है वो ना डिस्क्लोज हो ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने उस बात को भी एग्री किया, बट उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे उन्हें फ़ोन मिलाया, तो दिलराज भाई ने यहाँ भी हमारा दिल में थोड़ा ठीक है, अपने एक बंदे को भेजा, वो किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में थे, कोई मीटिंग थी किसी वीडियो को लेके, वो कहीं बात कर रहे थे, वो मैं आपको साथ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेसी होती है हर किसी की, उनकी मीटिंग चली थी, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उनका टीम मेंबर दिलराज भाई का टीम मेंबर आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे पास, हमसे बोलते हैं, हम उनसे बोलते हैं प्लीज़ भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें दिलराज भैया से मिलवा दो, हमने बहुत बोला उनसे, बट उन्होंने हमें समझाया कि ये बात है, ये मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस चल रही है, हमने कोई बात नहीं। एज अ यूट्यूबर देखो, हम भी यूट्यूबर हैं और वो हमसे बहुत यहाँ आए, हमने उनकी मीटिंग की इज्जत रखी और हमने उन्होंने हमसे ये बोला कि आप सुबह 9 बजे आ जाना, 10 बजे से हम चेकआउट करेंगे, हम चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमने वो बात मानी और हम घर चले गए। हम चाहते तो हम वहाँ जिद करके रुक सकते थे, हम बोलते कि नहीं हमें मिलना है तो मिलना है, हम फैन के साथ एक यूट्यूबर भी हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक फैन होते तो हम जिद करते हैं कि नहीं हमें मिलना है, मिलवाओ। देखो हमारे अलावा ऑलमोस्ट फिल्मदारा के हर बंदा मिल गया, हर बंदा A to Z सारे बंदे मिले, हम नहीं मिले। हम इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, हम गए थे एज अ फैन, बट एज अ यूट्यूबर हम उनकी प्रॉब्लम समझ सकते थे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी यूट्यूबर को अगर वो वर्क कर रहा था तो डिस्टर्ब नहीं किया जाए ठीक है, ये सब हमें मालूम था। तो वहाँ से हम घर आते हैं, उसके बाद गप्पू भाई को, राशि भाई को, मुझे, हम सबको, टीम मेंबर को, टीम में फोन लगातार कंटिन्यूसली फोन पे सबको फोन बजते हैं। अब हम चाह रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, बट ये इन्फॉर्मेशन लीक कैसे होगी मेरे को नहीं पता, क्योंकि एक तो दिलराज भाई इतने दिल के इतने बड़े हैं ना, वो कहीं भी जाते हैं ना तो अकेले चले जाते हैं, मुंह उठा के कहीं भी जाएंगे ना, खुल के कहीं भी जाना ना, चप्पल पहन चलो भैया, डाउन टू अर्थ ना, इसलिए भी पहुंच गए। अब वो इन्फॉर्मेशन लीक तो होनी थी भाई, इतना बड़ा मेंबर यहाँ घूमेगा, यूट्यूबर सॉरी घूमेगा, तो यार ऑफकोर्स लीक तो होना ही है। सब वहाँ पहुंच जाते हैं और वो सब उनसे मिल लेते हैं जिद करके, जबकि उनकी कॉन्फिडेंट चल रही थी, उसको उन्होंने छोड़ा, वो आए अपने फैन लोग से मिले, सबके साथ फोटो वोटो खिंचवाई, सबसे बहुत फ्रीली मिले, और जिन जिन के यूट्यूब चैनल के नाम थे सबके नाम अनाउंस किए उन्होंने सब के ठीक है। तो कहने लगे वहाँ हमें हंसी भी आ रही थी और अपनी किस्मत पे गुस्सा भी आ रहा था, ये सबके सब रात के 12-1 बजे तक नहीं सोए, ये बंदा सुनील भाई हमारे बोले चलो अभी चलो, वो सुबह चले जाएगा। उसके बाद इनकी जिद के कहने पर हम लोग वहाँ 12:30 बजे हम वहाँ फिर पहुंचे। अब पहुंचते करीब में वहाँ 2 घंटे रुके, 2:30-3 बज गए। अब देखो 3 बजे तक हमारे सबके आँखें इतनी मोटी मोटी हो गई थी, नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा खराब थी हम सब, यार वो बंदा सो चुका थक के, अभी थोड़ी देर हमें देखे थे कोई लड़के खड़े नहीं, वो दिलराज भाई सो गए थे हमारे, हमने कहा ठीक नहीं है, अब जब जो वादा है अगर वो जाना होता तब तो चले आते, जो वादा शायद उस वादे को टिके रहेंगे, वो 10 बजे से जाएंगे,
बट ये इन्फॉर्मेशन इतनी लीक हो चुकी थी कि अगर वो सुबह 10 बजे वहां से निकलते ना तो उन्हें निकलने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो सुबह 4 बजे चौड़गढ़ गांव से चले। और यहाँ पर हमारा दिल टूट गया। कोई बात नहीं दिलराज भाई, ये हमारी छोटी स्टोरी थी। आपने अगर आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो हम लोग भी आपके दिल से फैन है, सब फैन आपके। मिलिए भाई कोई बात नहीं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब हम आपके पास आएंगे मोटर ब्लॉग करते हुए तो प्लीज हम लोग को जरूर मिलना। और ये रिक्वेस्ट है आपसे, और ये वीडियो खाली मतलब बताने के लिए हमसे नहीं मिले, हेट फैलाने के लिए नहीं है, बस एक अंदर से ये हो रहा था कि हम अपनी बताएं कि हमने ऐसा ऐसा किया कि हम इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हम उनसे नहीं मिल पाए, ये होती है हमारी किस्मत। बट लेकिन बगैर जो होता है चिल्ले होता है, कुछ भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। अगर हम यहाँ पर मिल लेते तो उनके पास उनके घर जाकर मिलने की जो इच्छा है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं मिले तो हमें अंदर से और हो रहा है कि आपको जरूर मिलके आना है, बिना डर का हर एक बंदा मिले, हम कैसे नहीं मिले, अब जाना ही जाना है। अब एक्साइटमेंट जो है डबल हो चुकी है और मिलने की चाहत तीव्र। और जो देखो यहाँ के देखो पूरा रामनगर प्रेमद्वारा के शायद टॉप हम यूट्यूबर हैं, तो हमारा मन करता है भाई, हमारा मन भी करता है, हम बड़े बड़े यूट्यूबर हैं प्रेमद्वारा रामनगर के, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन भी करता है भाई, हम उनके फैन हैं, हम यूट्यूबर अभी बने, वो हमारी इंस्पिरेशन है भाई, हम लोगों ने टीम क्यों बनाई है, ये टीम उन्हीं को देख के बनी हुई है। जब हमने चैनल के बारे में सोचा भी नहीं था कि हम बनाएंगे, हम उससे पहले से उनकी वीडियो देखते आ रहे हैं। फिर कोई बात नहीं गाइस, ये थी हमारी छोटी स्टोरी, जो हमारा स्ट्रगल था उनसे मिलने का बट नहीं मिल पाए, कोई बात नहीं, जरूर मिलेंगे उनके घर पे, सॉरी उनके बड़े से स्टूडियो में, ड्रीम है भाई वहां पहुंचने के पास, ठीक है। तो अगर ड्रीम नहीं पूरा होता ना तो मजा नहीं आता ना, अगर आप ये वीडियो उन तक पहुंचा दोगे प्लीज गाइस शेयर मारो, ऐसे मत जोड़ो अप्रैल में हम वहाँ निकल जाएंगे राइड के लिए, ठीक है। बस बारी है तो आप लोग की, आप लोग आपको शेयर करनी है, आप एक बंदा तीन फ्रेंड को शेयर करो, तीन फ्रेंड से बोलो आगे तीन को शेयर करो, चेन बनाओ मिस्टर इंडियन हैकर तक वीडियो पहुंचाओ गाइस, पहुंचा दो, ठीक है। अब क्या करें, सो जाते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, मैं इतना बोलना आप लोगों से, लव यू फ्रॉम S3 आर्मी, बाय बाय।